हेलो गाइस, आज का वीडियो एक न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित है। यह रिक्रूटमेंट हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा निकली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 156 है। 156 टोटल नंबर ऑफ पद हैं। इन 156 पद के विषयवार मैं बताऊंगा कि किस विषय में नंबर ऑफ पद कितनी है। इससे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग दिनांक है वो 3 मार्च 2021 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो अंतिम दिनांक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो अंतिम दिनांक है वो 2/4/2021 है, यानी 2 अप्रैल 2021 है। इसके बाद धीरे से मैं इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। इसमें मैं विषयवार बताने वाला हूँ। तो 2 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का, वो भी 11:55 PM तक ही है। इसके बाद हम आते हैं विषयवार। अब पदवार मैं डिटेल बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो जिसकी जानकारी आपको पहले मिलेगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो शॉर्ट कोड में दिया है HCS, इसका पूरा नाम है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो पद है 29 पद हैं। हरियाणा के जो SC है उनके लिए कुल 8 पद हैं। हरियाणा के BCA के लिए कुल 4 पद हैं और हरियाणा के BCB के लिए कुल 3 पद हैं। EWS हरियाणा के लिए 4 पद हैं। और इन सबका कुल पद की बात करें तो कुल पद 48 हैं। इसके अलावा ESM हरियाणा के लिए 2 पद हैं और ESP हरियाणा के लिए 2 पद हैं और PWBD हरियाणा के लिए 1 पद हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, इसका शॉर्ट फॉर्म है DSP, इनके लिए कुल पद की बात करें तो कुल पद तो 7 हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 4 पद हैं, SC के लिए 1 पद हैं, BCA के लिए 1 पद हैं, BCB के लिए 1 पद हैं और कुल पद की बात करें तो कुल पद 7 हैं। मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ और ये सारे पद हरियाणा के लिए ही हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में जितने भी हैं सब हरियाणा के कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद अगला हमारे तीसरे नंबर पे है ETO, और ETO का फुल फॉर्म है कि एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। इसमें कुल पद की बात करें तो कुल पद 14 है। इसमें जनरल के जो पद है, जनरल की 7 पद हैं, हरियाणा के AC के लिए 2 पद हैं, BC हरियाणा के लिए 1 पद हैं और BCA हरियाणा के लिए 1 पद है और BCB हरियाणा के लिए 1 पद हैं और EWS के लिए कुल पद 3 हैं। और इन सबका कुल पद की बात करें तो इन सबका कुल पद 14 हैं। इसके बाद DFSC शॉर्ट में लिखा हुआ है तो इनके लिए कुल पद 3 हैं, जनरल के कुल 3 पद हैं और BCA के लिए कुल पद 1 हैं और EWS के लिए 1 पद हैं और कुल पद की बात करें तो कुल पद 5 हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ।
इसके बाद ये एक क्लास तहसीलदार के लिए जो पद हैं, तो जनरल कैटेगरी में तहसीलदार के लिए दो पद हैं और एसी कैटेगरी हरियाणा के लिए एक पद हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए एक पद हैं और कुल चार पद तहसीलदार के लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं तो असिस्टेंट एक्सरसाइज का तो हो गया। सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, थक जाता है। तो ए आर सी एस की हम बात करें, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो कुल पद की बात करें, तो इसमें जनरल के लिए एक पद हैं और कुल पद एक ही हैं, केवल एक जनरल का पद हैं। इसके अलावा AETO जिनका पूरा नाम है असिस्टेंट एक्सरसाइज एंड असिस्टेंट टैक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और इनकी कुल पद की बात करें तो इसमें जनरल के लिए दो पद हैं और तीन पद हैं EWS का, जो EWS है यहाँ से उनके लिए तीन पद हैं और कुल पद पाँच है। इसके बाद BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के लिए, यदि इसमें कुल जनरल की पद की बात करें तो जनरल का कुल पद 22 है, एसी के लिए कुल पद 10 हैं, BCA के लिए 7 पद हैं और BCB के लिए 2 पद हैं, EWS के लिए 5 पद हैं और कुल पद की बात करें तो 46 हैं। इसमें ESM के लिए 3 पद हैं और ESP के लिए 3 पद हैं। इसके अलावा VH के लिए एक पद हैं, HH के लिए एक पद हैं और MD के लिए एक पद हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं तो ये है TM। TM मतलब ट्रैफिक मैनेजर के लिए हम पद की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 पद हैं और AC के लिए 1 पद हैं और कुल 3 पद हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर की बात करें तो इसको शॉर्ट में दिया है DFSO। इसमें AC के लिए 1 पद और BCA के लिए 1 पद और कुल 2 पद हैं। AEO यानी असिस्टेंट एम्प्लॉई ऑफिसर की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 11 पद हैं, AC के लिए 4 पद जबकि BCA के लिए 3 पद हैं और BCB के लिए 1 पद, EWS के लिए 2 पद हैं और कुल पद की बात करें तो 21 पद हैं। इसके अलावा ESM के लिए 1 पद हैं और 1 पद VH के लिए हैं। इस तरह से हम कुल पद की ऐसे बात करें तो टोटल पद तो 156 हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज हम बात करें तो 83 जनरल की पद हैं, 28 AC की पद हैं और BCA के लिए 18 पद हैं, BCB के लिए 8 पद हैं, EWS के लिए 19 पद हैं। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो दिया है एग्ज़ाम डेट दिया है कि इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो मई जून 2021 में हो सकता है या रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2021 में हो सकता है।
इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें हरियाणा सर्विस सिविल सर्विस के लिए ये है। इसमें हम जो प्रीमिनी एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का है, इसमें जनरल स्टडी के लिए 100 मार्क्स का है और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 100 मार्क्स हैं। इसमें और आगे हम बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस को प्रश्न आएगा और इसमें जो 2 घंटे का यह प्रश्न होगा और जो पेपर आएगा उसमें 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी, 2 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 माइनस मार्किंग है, ये माइनस मार्किंग है। उसके बाद से पेपर सेकेंड की बात करें तो सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 33% है। तो इस तरह से ये पेपर के बारे में डिटेल दिया है, आप एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, ये मेन रिटेन एग्ज़ाम की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये मेन रिटेन एग्ज़ाम जो है टोटल 600 मार्क्स का है, जिसमें इंग्लिश है 100 मार्क्स का, हिंदी है 100 मार्क का यानी 100 नंबर का है, जनरल स्टडी जो है वो 200 नंबर की है और वन ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 200 नंबर की है और टोटल की हम बात करें तो टोटल 600 नंबर की है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे तक भी है, तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कोड दिया है, वो कोड देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश ऐसे के लिए 30 कोड है और हिंदी देवनागरी के लिए 31 कोड है, जनरल स्टडी के लिए 32 कोड है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो इसके बारे में और सारे डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 75 मार्क्स चाहिए आपको, यानी 75 मार्क्स का है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। तो इसमें जो एज का जो छूट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 5 साल का एज का छूट है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो थोड़ा सा इसमें हाइट भी दिया है, यहाँ पे हाइट थोड़ा सा दिया है और चेस्ट भी दिया है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आकर हम बात करते हैं फीस का कि नंबर ऑफ फीस सॉरी कितने रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कितने रुपये चार्ज लग रहा है। तो इसमें मेल कैंडिडेट और DESM कैटेगरी के लिए 1000 रुपये शुल्क चार्ज है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडेड फीमेल डिपार्टमेंट मान ESM हरियाणा के लिए 250 रुपये शुल्क है। इसके बाद मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC, BC, ABC, B ESM एवं इकोनॉमिकल रूप से जो गरीब है सॉरी गरीब नहीं इकोनॉमिकल में जो पिछड़ा हुआ है EWS उनके लिए भी 250 रुपये हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम बात करें तो जो हैंडीकेप हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस